मिला। कैसा है? ये ले सर, मैं आपके लिए पराठा लेके आई हूँ। इधर देखो, वो अंदर बैठ जाते हैं। अंदर अंदर बैठे क्या? अच्छा लग रहा है आपको? मजा आया आपको? असू कत्ते माँ निराले, दिना तुप्पे ते राते पाले। हाँ जी, आज कल लाहौर में ऐसा कुछ मौसम हुआ हुआ है कि दिन में जो है वो गर्मी होती है, रात में होती है सर्दी, और इसी वजह से मुझे जो है वो साइनस का प्रॉब्लम हो चुका है दोबारा से। तो कोई बात नहीं है जी, वीडियो बनाएंगे आपके लिए और ज़रूर बनाएंगे। तो जनाब अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे और कुछ बाश होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के करम और फजल के साथ। तो जनाब आज की जो वीडियो है ना, आप लोगों ने क्या करना है, जो तुसी देख रहे हो पराठे फ्राई हो रहे ने तवे ते, तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो ब्लड प्रेशर की गोलियां खा ले, यूरिक एसिड वाले यूरिक एसिड की खा लेते, और जिन्हें भी बीमार हजरात ने अपनी दवाइयाँ शवाइयाँ खा लो। हाँ जी, और अल्लाह ताला सबको आपको शिफाए कामला आजला भी अता फरमा दें, सेहत और तंदरुस्ती के साथ ज़िंदगी की तमाम बहारें देखें, खुशियाँ देखें और अच्छे अच्छे खाने खाएँ। तो जनाब ये ऑर्डर हमारा नहीं है, ये किसी का है, अल्लाह ताला उनके नसीबों में करे जिनका है ये। तो हमारी एक छोटी सी बेबी है सलवा बेबी, हाँ जी, तो उसने कहा कि हमने अंडा पाठा खाना है जी। मैंने तो हम चले गए जी अंडा पाठा खाने के लिए। ए वाला पराठा जेना ना ए साढ़ा लग रहा है, ए ए ए जठा करके सुटे है ना, दिल तो वजी गया दी आवाज़ कसमे। तो ये हम लोगों ने खाया, फिर मैं कहनी हूँ रूह ठंडा हो गया लोरियाँ का, तो कलेजा ही ठंड नहीं पैंती ना जो तक यह जी कोई चीज़ ना खा लें। असल बात यह है कि मर्द हजरात जो है ना वो खाते हैं, बाहर से खा भी लेते हैं, कभी नहीं भी खाते हैं, यानी उनका तो उनके लिए ये आम रूटीन की बात है। लेकिन साढ़े बकरियाँ जड़ियाँ बुढ़िया जिन्होंने घर रोटियाँ पकानियाँ ने, आप हांडियाँ रोटियाँ पका पका बेचारियाँ पागल हो गई ने, तो उनका दिल करता है कि बाहर से जाकर कुछ खाना पीना खाया जाए। तो हमने लगवाया था क्रिस्पी पराठा, तो जो थानू क्रिस्पी पराठा नहीं पकाना आता, तो इस तरह तुम जो पराठा बना के उत्ते घ्यो की बाल्टी रख देनी है। हाँ जी, तो फिर आपका क्रिस्पी पराठा जो है वो तैयार हो जाएगा। एक अंडा जो है हाफ फ्राई, वो हम लोगों ने सलवा के लिए बनवाया क्योंकि बहुत शौक से खाती है और बच्चों को खाना भी चाहिए। अंडा जो है वो बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दिन में एक अंडा, सर्दी हो या गर्मी, रोज़ ही अंडा खाना चाहिए, है ना जी। सर्दी हो या गर्मी तो अंडा लाजमी खाना चाहिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है फ़ायदेमंद होता है। तो जनाब मेरा दिल कर रहा था कि अंडे पे पराठा लगवा लूँ या फिर पराठे पे अंडा लगवा लूँ, दोनों में से एक काम मैंने करना था, तो मैंने वो कर लिया। हाँ जी, मैं पराठे पे अंडा लगवा लता या फिर अंडे पे तुसी को पराठा ला दता, बस यही वाला सीन था। ये उसने भाई ने है ए चार पीस किते सु, ये है बैठना। इधर देखो, वो अंदर बैठ जाते हैं। अंदर अंदर बैठे कहाँ बैठना है? कहाँ बैठना है बाबा? कहाँ बैठना है? यहाँ इधर। चलो ठीक है, फिर इधर ही बैठो। ये ले सर, मैं आपके लिए पराठा लेके आई हूँ। अंडा पराठा बेबी कह रही है ये केवल मेरी जगह पे कर दो। आपकी आ गई है? ये अदरक गया, सही हो गया। इलायची भी डालना है कि सही हो गया? शक्कर की, हाँ शक्कर डालना। शुक्रिया।
तो जनाब चाय जितनी देर बन रही है मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी अम्मी सुनाती होती हैं ये स्टोरी, अक्सर अम्मी ने काफ़ी बार ये स्टोरी सुनाई है। तो ये चाय के देख के ना मुझे इलायचियाँ देख के तो मैंने वो स्टोरी याद आ गई कि एक ना शहर वाले अंकल होते हैं, शहरी अंकल होते हैं, ठीक है। वो गाँव अपने दोस्त के पास मिलने के लिए जाते हैं। जब उनके घर जाते हैं वो ज़ाहिर है उनकी मेहमान नवाजी करते हुए वो चाय बनाते हैं और चाय में इलायचियाँ डालते हैं। तो इलायची जो है उनकी बेगम जो है गाँव वाले अंकल की बेगम मुँह से तोड़ती हैं इलायचियाँ, अपने दांतों से तोड़ती हैं और डाल देती हैं जी चाय में। तो चाय वो पक जाती है, चाय पक पक गई तो वो लगते हैं जब अपने शहरी अंकल के सामने रखते हैं, शहरी दोस्त के सामने वो जब चाय रखते हैं तो वो इनकार कर देते हैं कि मैंने ये चाय नहीं पीनी। तो वो बहुत पूछते हैं भाई आपने ये चाय क्यों नहीं पी, वो कहते हैं जी मैंने चाय नहीं पीनी, तो नहीं पीनी बस मेरी मर्ज़ी। वो चले जाते हैं वापस शहर। कुछ अर्से बाद अंकल वापस आते हैं और गाँव वाले अंकल को कहते हैं, शहरी अंकल जब वापस आते हैं गाँव और गाँव वाले अंकल से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता जो है वो आपके बेटे से कर दिया जाए। गाँव वाले अंकल बहुत खुश होते हैं। बहरहाल जनाब शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो वो अपनी बेटी से कहते हैं शहरी अंकल के बेटी मेरे लिए इलायची वाली चाय बनाओ। तो जब वो इलायची वाली बेटी चाय बनाती है और वो जो शहरी अंकल हैं वो बड़े शौक से अपनी बेटी की बनी हुई हाथ की चाय पीते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो जो गांव वाले अंकल हैं वो बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं जब आप पहले आए थे आपने इलायची वाली चाय नहीं पी थी, आपने क्यों नहीं पी थी मेरी बेगम की हाथ की चाय। तो शहरी अंकल कहते हैं इसलिए नहीं पी थी कि आपकी बेगम ने दांत के साथ इलायची तोड़ी थी। हाँ जी, दांत के साथ इलायची तोड़ी थी और मेरी बेटी ने जो है वो हाथ के साथ इलायची तोड़ी है, इसलिए मैंने ये चाय पी ली है। तो जनाब तुसी चेक करो मोरल ऑफ द स्टोरी, अंकल भला कह दें भाई भाई आपकी बेगम ने जो है वो दांतों से इलायची तोड़ी है इसलिए मैं चाय नहीं पी रहा, तीधा रिश्ता देता, हद हो गई भाई, कमाल है। अच्छा क्लैपिंग करो, कैसे कर रहे थे, अच्छा लग रहा है आपको, मज़ा आया आपको? ये चाय, चाय के अंदर डिप करके खाने का मज़ा ही अपना, क्या नहीं? ये लो देसी काम है, बिस्मिल्लाह। कैसा है क्या लेने काका, काके के बाल खराब हुए हुए हैं काका बाल सही कर रहा पसीने से ना। तो जनाब उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और जो शहरी अंकल और गांव वाले अंकल ने जो किया वो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, सॉरी वो स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चले जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, और अपना बहुत सारा ख्याल, आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।